वाह। क्या देख रहे हो? बांधो ना। You know, हमने ठीक ही कहा था। क्या? आप वाकई जादूगरनी हो। वक्त को मुट्ठी में बांधने का जादू आपको मालूम है, इसलिए आप 20 की रह गई और हम हो गए 60 के। मैंने वक्त को नहीं, आपके प्यार को मुट्ठी में बांध रखा है। प्यार ही तो वो जादू है जो उम्र भर जवान बनाए रखता है। तब तो हम उम्र भर जवान रहेंगे। अरे भाई अजय, जरा ऊपर जाके देखो दूल्हा दूल्हा रेडी हुए या नहीं। जी, जी। और कहीं ऐसा तो नहीं हम सबको चकमा देकर नया जोड़ा हनीमून पे निकल लिया हो? ये देखो पायल ये रिवर्स में हंसती है। यस। अरे भाई मुबारक हो राज, एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। भाभी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई राज, जब हम अंग्रेजों के छोड़े हुए हनीमून एनिवर्सरीज बदे से याद रख सकते हैं, तो फिर उनकी एक प्यारी सी रस्म क्यों नहीं याद रख सकते? कौन सी रस्म भाई? अरे वही जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठा के घर की चौखट लांगता है। गल कितनी है जवाब ने। और राज भाई देखते क्या, उठाओ परजाई को। अरे क्या कर रहे हो सरदार जी, क्या कर रहे हो? अरे मजाक कर रहे हो क्या? अरे तनिक राजू भैया की उम्र तो देखो। राजू भैया क्या खराबी हमारी उम्र में? अरे राजू भैया, कहीं कमर अमर में झटका आ गया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। का है? का समझा तो कि हम बुढ़ाएगा? नहीं। सठियाएगा? नहीं। अरे भाई हम बहुत जवान है, उठा के दिखाई का। हाँ देखो आइए मैडम। अरे अरे हेलो सुनो, अरे देखो, अरे सोनियत ओके कोई बात नहीं, प्लान नंबर 2। आ जा भाइयों, आ जा भैया। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। आलोक बेटे। आलोक। प्रणाम बाबूजी। 100 साल जियो, खुश रहो। ये लो अपनी मम्मी से बात करो, छटपटा रही बात करने के लिए तुमसे। हेलो। नमस्कार माँ जी, चरण स्पर्श। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों यूं ही हंसते मुस्कुराते 100 साल तक जिए। थैंक यू बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। इंडिया कब आ रहा है? तेरी बहुत याद आती है। याद तो आपकी भी मुझे बहुत आती है। आपकी दुआ से मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इसी कोशिश में हूँ कि एक आध महीने में इंडिया ट्रांसफर ले लूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बस तू तो जल्दी से आ जा, तेरे लिए एक सोनी कुड़ी ढूंढ कर तेरी जल्दी से शादी करा देते हैं। हंस क्यों रहा है? माँ जी कुड़ी तो मैंने ढूंढ ली है। कुड़ी ढूंढ ली? क्या बात कर रहे? अब आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनी है या नहीं। तो फोटो भेज देना जल्दी से। नाम क्या है? कुरियर कर चुका हूँ, शायद कल तक मिल जाएंगे आपको। और उसका नाम है अर्पिता माँ। बहुत प्यारा नाम है। शुक्रिया माँ जी। थैंक यू बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। चलो हिम्मत जुटा के बाबू जी और माँ से बात तो कर ली। हाँ पर मान लो मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं आई, तभी तो मुझसे शादी करोगे? अर्पिता ये वो लोग हैं जिन्होंने कनाथ बच्चे को सड़क से उठाकर उसे यहां तक पहुंचाया जहां पर कि मैं आज हूं। ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और ये सच है कि अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। और ये भी सच है, मैं जिंदगी भर तक शादी नहीं करूंगा और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे अपना बनाया है आलोक। शादी होना हो मैं तुम्हारी हूं। आई लव यू। आई लव यू टू।
बच्चों के आने से अच्छी खासी रौनक हो गई। हाँ, आपने वाकई हमें बड़े प्यारे बच्चे दिए हैं। बच्चे तो हमने दिए लेकिन प्यारा उन्हें आपकी परवरिश ने बनाया। सो गए बच्चे? हाँ हाँ, अज्जू और किरण हमारे कमरे में सो रहे हैं। अच्छा, और संजय और रोहित? नीचे वाले कमरे में। और वो बेचारा बैचलर करण, वो कहाँ है? करण राहुल और पायल के साथ हॉल में सो रहा है। ओहो, ये सब तो ठीक है मैडम, लेकिन अब हम कहाँ सोएंगे? हम? हाँ, आइए आइए, हम यहाँ सोएंगे। यहाँ? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास जगह है। अरे बेकार में ही लोग हनीमून मनाने लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिमला, मसूरी, गोवा जाते हैं। ये तो एकदम फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, अरे मैम साहब, लेकिन आपका तकिया कहाँ है? मेरा तकिया? हाँ, मेरा तकिया यहाँ है। ओहो, आप नहीं सुधरेंगी मैम साहब। अच्छा डैड, हम लोग चलते हैं, बहुत एंजॉय किया। आप कब आओगे? जब आप कहें। दिवाली पर? हाँ। अरे भाई, दिवाली से पहले तो होली है। हाँ, हाँ, होली तो आना ही होगा। जल्दी खत लिखना, हमें बहुत याद आती है। ओके डैड। अच्छा डैड, बाय। अरे सुनो, पहुंचते फोन करना। हाँ, चौबीस घंटों की रौनक के बाद घर फिर से सोना हो गया। लेकिन इन 24 घंटों ने हमें कितनी ताजगी दी। अरे संजू नहीं दिख रहा कहीं, कुछ दिन रुकेगा क्या? उसकी ट्रेन में अभी टाइम है। ओ, अच्छा। और वो आपसे? वो आपसे? उसे 50,000 रुपयों की जरूरत है। 50,000 रुपए? वो क्या है, वो लोन से गाड़ी लेने वाला है ना, और उसे क्या कहते हैं, अपनी तरफ से जो पहले पैसा देना पड़ता है। हाँ, डाउन पेमेंट। हाँ हाँ हाँ, और उसे आपसे कहने में संकोच हो रहा है। अरे पापा से संकोच? अच्छा। अरे संजू, ए संजू। हाँ डैड, क्या हुआ डैड? भाई आज हम तुमसे बहुत नाराज हैं। नाराज डैड? मैंने? ये जो तुमने किया है ये बहुत गलत किया है डैड। मैंने तो बड़ो ये बताइए कि आपके और आपके पापा के बीच में ये मम्मी कहाँ से आ गई हैं? अरे भाई, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हमसे कहो, हमसे कैसा संकोच? डैड, मैंने सोचा कि शायद आप। बेटे, हम तुम्हारे पापा हैं, और जब तक हम हैं हमारे बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्री से दिल्ली जाइए, पैसे आपको वहां पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक्स डैड। अरे चलो भाई, नाश्ता नहीं करोगे? यस डैड। मल्होत्रा साहब, ये जो ग्रेच्युटी के अगेंस्ट आपने 50,000 का लोन मांगा है, आप जानते हैं इसके बाद आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं, आप जैसे सिंसियर एम्प्लॉय को ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर आप हमारे दोस्त भी हैं। आपने हमेशा दूसरों को हमारी इन्वेस्टमेंट और बचत स्कीम के बारे में एनकरेज किया है, मगर खुद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी कमाया वो बच्चों की ज़रूरतों और मांगों पर खर्च कर डाला। मगर सच बात तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सर, हमारी ताकत तो हमारे बच्चों की मुस्कानें हैं। वो पैसा ही किस काम का अगर ऐन वक्त पर बच्चों के काम ना आ सके। अब ऐसे भी सर, रिटायरमेंट के बाद का मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। भगवान की कृपा से चार चार बेटे हैं, चार चार अनमोल फिक्स डिपॉजिट। तो चार चार फिक्स डिपॉजिट, हाथ बाजू, सारे के लिए इतना बहुत है मेरे लिए। अरे भाई साहब। मिस्टर राज मल्होत्रा। यस, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। अरे देवी जी, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ होने में देर हो सकती है, लेकिन आपका ये जो दरवाजा खोलना है इसमें कभी देर नहीं होती। ये क्या चाय की तस्वीर को हाथ लगा रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए। टन टडा, ये टडम। अरे इतनी जल्दी? भाई बॉस का जब हुक्म होता है तो हुक्म बजाना पड़ता है।
पैसों के लिए बच्चों का कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए। ये किसकी चिट्ठी है? ये आलोक की चिट्ठी है। अरे फिर तो उस लड़की की तस्वीर होगी इसमें। अरे बचपन की होगी लेकिन बचपन नहीं गया तुम्हारा अभी तक। एक तस्वीर हमें भी दिखाओ। कितनी प्यारी लग रही है ना। बहुत अच्छी जोड़ी है। चलो अच्छा है, आलोक भी सेटल हो जाएगा। वैसे उसे यहाँ तक पहुँचाने में आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं पूजा, मैंने कुछ नहीं किया। इस बच्चे में बहुत पहले से ही आसमान को छू लेने का जोश था। मैंने तो बस उस जोश को परवास दी।